हम मौजूद हैं दंतेवाड़ा जिला रेटेमपरा बुसारत ग्राम पंचायत के अंतर्गत रेटेमपरा आता है ना, तो यहाँ पे खूब सारे समस्या का मतलब समस्या हो रहा था। अभी इस पुलिया बनने के कारण जैसे अपने सिस्टर आए हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ऐसे रास्ते में कैसे कैसे समस्याएँ झेलनी पड़ रही है इनको। मैम नमस्कार, मैं आपका नाम है सबीला केंद्र। मैम किस किस टाइप का आप समस्या झेलते आ रहे हैं आज तक के, मतलब कब से पोस्टिंग आपका कहाँ से और कब कब आते हैं, और जैसे पानी वानी गिरता है तो किस किस टाइप का समस्या झेलनी पड़ती है मैम आपको? मेरा पोस्टिंग यहाँ 2018 में हुआ था जनवरी में, तो यहाँ पे वही टीकाकरण के लिए आते हैं, तो वही रास्ता ख़राब होने की वजह से हर बार नहीं घुस पाते, तो बरसात में ज़्यादा ही दिक्कत जाता है, बाकी गर्मी में आ जाते हैं। बरसात में इस ब्रिज, अभी जिस टाइप ब्रिज बना है ब्रिज तो बन गया, लेकिन इधर का रास्ता काफ़ी कीचड़ होने के कारण गाड़ियों को उसी मतलब नदी के उस पार में रखा जाता है। अभी जैसे पैदल आ भी रहे हैं तो जैसे पानी गिरता है तो कभी कभार इनको नदी नाले जैसे भर जाता है, उस समय इनको मतलब इधर ही रुकने का भी मतलब समस्या, मतलब रुक भी सकते थे, मतलब क्या बोलना चाहिए आप, मतलब नहीं जाने के कारण पानी भरने के कारण आप इधर भी रुकते हैं आप, तो रुकने के साथ साथ आपको गांव वाले खाना पीना का व्यवस्था करते हैं या मतलब जैसे नदी नाला भरने से नदी नाला पार कर देते हैं मैम, नहीं कर देते हैं आप इसके बारे में जानकारी दीजिए? हाँ कर भी देते हैं, और इधर से शॉर्ट कट रास्ता है, उधर से ही पैदल जाना पड़ता है, और यहाँ रुकना पड़े तो आंगनबाड़ी में खाना वाना का व्यवस्था हो जाता है। चलो ठीक है, धन्यवाद मैम तमाम जानकारी के लिए।